कैसे हो भाई मेरे सब? तो दोस्तों सब अच्छे होंगे और मैं निकल चुका हूँ दोस्तों आज शहडोल। तो शहडोल दोस्तों अभी हम 4 बजे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं सामने एकदम पूरा बाईपास की ओर से, लल्लू चौक बोलते हैं इसको, वहाँ से हम घुस चुके हैं शहडोल मार्केट की ओर। और मैं आपको आज कवर करके दिखाऊंगा पूरा शहडोल एरिया। और देख सकते हैं कार एक जा रहा है, और देखते हैं मेरे राइट तरफ देख सकते हैं बड़े बड़े शोरूम, होंडा, TVS और बहुत सारे कंपनियों के गाड़ी के शोरूम हैं। लगभग पीछे मेरे देखा मैंने दोस्तों सुजुकी और किया सेल्टॉस, आइसर ट्रैक्टर्स, ये सब के बड़े बड़े शोरूम थे। टाटा टियागो के स्क्वायर राइट में मेरे देख सकते हैं, वहाँ एक टॉकीज है। और ये दोस्तों ये रोड है दोस्तों बुढ़ार चौक वाला, जो कि लल्लू चौक होते हुए घुसता है और गांधी चौक तरफ मिलाता है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा बहुत बड़े बड़े शोरूम यहाँ खुल गए हैं। मतलब दोस्तों 3 साल में यहाँ इतना डेवलप हुआ है दोस्तों कि आप शहडोल दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये संभाग शहडोल है, संभाग इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। और आप देख सकते हैं संभाग और कितना सुंदर दिखता हुआ। और ये देखिए कैसा बिल्डिंग वल्डिंग बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ बिल्डिंग नए नए तैयार हो गए हैं दोस्तों। इतना तेज़ी से बिल्डिंग बनते हैं रोड पे, क्या ही कहा जाए दोस्त। और देखिए पूरा यहाँ बहुत सारे दोस्तों, एक ठेला यहाँ लगाता था लेफ्ट साइड में, एक कुल्हड़ चाय वाला जो कि फेमस था, यूट्यूब में जैसे सर्च मारेंगे तो कुल्हड़ चाय वाला शहडोल, और ये को कब खाओ पियो। तो अब दोस्तों तो बंद कर दिए, पता नहीं क्या रीज़न है। मैं एक बार आया था दोस्तों, लेकिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, सोचा था कि ब्लॉग शूट करूँगा लेकिन अब तो नहीं लगाता वो भाई साहब। और देखिए पूरा यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा होल्डिंग लगा था, मुझे लग रहा है ऐसा जब दुरुप दो आई थी। ये मंदिर, एक तो मंदिर यहाँ जो तो ये मंदिर शुरू होता, अब समझ जाए कि बुढ़ार चौक आ गया है। अब जैसे यहाँ से लेफ्ट तरफ जाएंगे तो दोस्तों आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं जो कि 1 किलोमीटर है। अब जैसे राइट तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप जा सकते हैं सीधा बस स्टैंड। और ये देखिए जहाँ से वही बोल जहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से कार आ रहा है दोस्तों यहाँ से आप बस स्टैंड जा सकते हैं, और जहाँ से टैक्सी इस तरफ लेफ्ट तरफ से आ रहा है वहाँ से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और जैसे सामने कहीं और जाएंगे तो वहाँ पड़ता है गांधी चौक, गांधी चौक से आप फाइनली दोस्तों वहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हम जा रहे हैं गांधी चौक की ओर, और देखते हैं क्या होता है। और देखिए भाई साहब ऐसा ऐसा गाड़ी मतलब घुसेड़ देते हैं बीच में। अभी दोस्तों क्या है ना, यहाँ बहुत क्राउड टाइप का है भाई, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब शेड्यूल है ऐसा टाइप, मतलब जैसे कि आप बड़े बड़े सिटी में जाएंगे उस टाइप का लगता है। देखिए कार वाला दोस्तों कैसे सटाया पड़ा है, अब ये देखिए ये भाई साहब ऐसे, हाँ मतलब ऐसा, मतलब रुक नहीं सकते भाई साहब थोड़ा, ऐसा मतलब कि सबको आगे जाना है आगे, इसी ऐसा भाई थोड़ी सतर्क रहें, सावधान रहें तो अच्छा लगता है अपन को भी यार, और ऐसा करेंगे तो थोड़ी हो कुछ होगा। और ये देख सकते हैं पूरा ऐसा लग रहा है कि एकदम क्रश, एकदम ऐसा रस रस ड्राइवर चला रहे हैं दोस्तों। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो कि उनका यूट्यूब चैनल है करके, विश्वजीत करके ऐसा कुछ नाम है उनका, शरा करके। और दोस्तों एक दिन मेरे देखे तो ब्लॉग शूट करने वाला हूँ गाइस, उसको मैं कवर में लूँगा उनको भी, लेकिन अभी मिले नहीं, उनसे मुलाकात हो जाए तो आप कमेंट करके बताइए कौन कौन वीडियो देखना चाहता है, जो देखना चाहता है कमेंट करके ज़रूर बोलिए, लिख दीजिए इंटरव्यू, बस उनसे मैं मुलाकात जल्द ही करूँगा। और शहडोल वाकई बहुत खूबसूरत सिटी है, और देख सकते हैं हम पहुँचे गए गांधी चौक, इसको बोलते हैं गांधी चौक, गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है। जैसे यहाँ से लेफ्ट तरफ जाएंगे तो आप रेलवे स्टेशन, राइट तरफ जाएंगे सीधा रिवर रोड, और यहाँ से आप पुराना कैंपस जा सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शंभुनाथ विश्वविद्यालय का पुराना कैंपस, जो कि नवलपुर से आते हैं तो हम पड़ता है मेन मार्केट के स्टेडियम पास, पड़ता है गांधी स्टेडियम के ऊपर पड़ता है नवलपुर का, वो पुराना कैंपस पड़ता है शंभुनाथ, जो कि बहुत ही पुराना है यहाँ विश्वविद्यालय संभाग का, पूरे संभाग का। हमें ऐसा सुनाई दिया था कि हमारे यहाँ मामा जी तक पढ़े हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जितने भैया हैं। और इस तरफ जाता है सीधा रीवा की ओर, आप इसी रोड को अगर यूज़ करेंगे तो पा जाएंगे बाणगंगा,
रीवा रोड, व्यवहारी रोड, सुहागपुर। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और अभी हम पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं अभी हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पास झूला पुल के पास। झूला पुल से अब अंदर जाएंगे तब पड़ेगा शंभूनाथ का पुराना बिल्डिंग, जो कि हम जा रहे हैं वहाँ, हमको काम है। हम वहाँ से जाएंगे फिर रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम निकलेंगे ट्रेन से घर एक्सप्रेस की, जो कि हमारा है 5:45 में। अभी शाम का वक्त है, 4 बज चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बोलो पे।